आज मैं आपके साथ सूजी का हलवा बनाने की कुछ ऐसी ट्रिक और टिप्स यूज करूंगी जिससे आपका हलवा मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा बिना किसी खास एफर्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ, यहाँ पर जो मेजरमेंट की मेन ट्रिक है वो ये कि आप जिस बोल का यूज करें सूजी का हलवा बनाने के लिए, उसी बोल का मेजरमेंट रहता है सभी चीजों के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बोल इस्तेमाल किया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने यही बोल भरकर यहाँ पर सूजी ली है, फिर इसी बोल को भरकर मैंने यहाँ पर शुगर ली है, चीनी, और यही बोल भरकर मैंने यहाँ पर घी ली है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दूध यूज किया है जिसमें मैंने केसर डाला है, और इसमें बाकी एक यहाँ पे ट्रिक ये है कि क्योंकि मैंने यही बोल भरकर सूजी ली है, तो इसी बोल को भरकर मैंने तीन बोल पानी यहाँ पर पहले से ही मेजर करके ले लिया है। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जो यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर चिरौंजी ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कटे हुए काजू लिए हैं, कटे हुए बादाम, किशमिश, और गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर गरी को कस लिया है, और साथ ही मैं कुछ साबुत काजू लिए हैं। कुछ लोग यहाँ पर इसको जो है फ्राई कर भी ड्राई फ्रूट यूज करते हैं। ये फ्राई करके डालें चाहे ना डालें, टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और अब हम इसमें घी डालते हैं। घी आप चाहें तो सारी घी एक साथ डाल दें, मैं यहाँ पे थोड़ी घी अभी डाल दे रही हूँ और थोड़ी घी को मैं बाद में यूज करूंगी। अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी और इसको चलाएंगे। हम अपनी आंच धीरे, हमने फ्लेम अपनी मीडियम तेज रखी है। आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसमें। जैसे जैसे सूजी हमारी जो है भुन रही है, ये दाने दाने इसके अलग हो रहे हैं और ये घी को छोड़ दी जा रही है। तो इसके जो है पकने की यही पहचान होती है कि ये जो है घी को छोड़ने लगती है और एक एक दाना आपको कढ़ाई के साइड साइड में दिखाई दे रहा हो। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे सूजी का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है यहाँ पर। अभी बस ये भूनने ही वाली है, थोड़ी देर हम इसको और भूनेंगे, फिर ये हमारी सूजी एकदम पककर तैयार हो जाएगी पानी डालने के लिए। हमारी सूजी यहाँ भूनकर तैयार हो गई है, अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे। और इसी में अब हम चीनी डाल देंगे जो हमने मेजर करके रखी थी। अब हम इसको पानी डालने के बाद चलाएंगे। हमारी सूजी कढ़ाई में चिपकनी नहीं चाहिए, इसीलिए आपको लगातार इसको इसी समय हम इसमें अपने जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे कुछ हम डाल देंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम, किशमिश और चिरौंजी डाल दे रहे हैं। बाकी गरी आप चाहें तो इस मोमेंट पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका टेस्ट वैसे नहीं अच्छा लगता, मैं सिर्फ इसमें गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी। बाकी जो मैंने दूध में केसर रखा हुआ था उसको भी मैं अब इसी समय डाल दूंगी। इससे आपके हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। वैसे केसर यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें, इट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन क्योंकि आज थर्सडे था तो कुछ पीला जो है मेरे घर में बनता है, मम्मी बनाती हैं, तो इसीलिए आज मैंने इसमें जो है केसर वाला दूध डाला है थोड़े से पीले कलर की वजह से। बाकी ये टोटली ऑप्शनल है, आप डालें चाहे ना डालें, टेस्ट में इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। सूजी को भूनते समय हमने जो गैस था वो मीडियम हाई रखा था, लेकिन पानी डालने के बाद मैंने गैस यहाँ पर कुछ टाइम के लिए तेज कर दिया है, और एकदम तेज नहीं है, मतलब मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर तेज कर दिया है ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। आप देख रहे होंगे कि ये कैसे इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। अब
इसी मूवमेंट पर आप गैस हल्का करके जो हमारी घी बची हुई थी मैं वो भी यहाँ अब इसको हम चला लेते हैं। घी भी ऑप्शनल है, कुछ लोग चिकनाई कम खाना पसंद करते हैं तो आप घी कम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मेजरमेंट के साथ आपका जो हलवा है वो बहुत ही अच्छा बनकर एकदम खिला खिला तैयार होगा। आप देख रहे होंगे कि हलवा जो है सूजी है कढ़ाई को छोड़ रही है, जैसे जैसे हमारी सूजी जो है गाढ़ी होती जा रही है हलवा बनकर रेडी हो रहा है ये कढ़ाई को छोड़ता जा रहा है। देखिए ये ऑलमोस्ट बनने वाला है और कढ़ाई में देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर इसका जो है बनकर तैयार हुआ है। हमारा हलवा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर आप जितने अच्छे से हलवे को भूनेंगे आपका हलवा उतना ही अच्छा बनके तैयार होगा। देखिए हमारा सूजी का हलवा बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। कुछ लोग इसको प्लेट में सर्व करके बर्फी के तरीके से काट भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ इसको बोल में निकाल रहे हैं। हमने हलवा निकाल लिया है, अब इसको हमने जो गार्निशिंग के लिए यहाँ पर थोड़े से कटे हुए गरी वगैरह रखा था इसको हम ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे और थोड़े से काजू का यूज करके इसको हम गार्निश कर देते हैं। तो देखिए मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया है। आप गार्निशिंग के लिए जो मटेरियल यूज करना चाहें कर सकते हैं और इसको मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। इसका देखिए एक एक दाना आपको अलग अलग दिखाई दे रहा हो। तो देखिए ये हलवा बनकर तैयार हो गया है, इसको मैंने गार्निशिंग कर दिया है। गार्निशिंग के लिए आप और भी जो मटेरियल यूज करना चाहें ड्राई फ्रूट्स में आप वो यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये हलवा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और अपने घर में जरूर ट्राई करके कमेंट में बताइए कि ये कैसा बना। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।